वो आप देख सकते हैं, दो दांत वाला टस्कर है ये। यहाँ गाय देखिए, एक देख सकते हैं आप, एक इसे हम कहेंगे कैटल। और ये जो एरिया है ना छोटे, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो कैटल है बहुत गलत जगह पर, शायद ये गलती से आ गई है यार, बीच जंगल में सिंगल कैटल है, उसकी यहाँ मौजूदगी कुछ अलग एहसास करा रही है मुझे। वो क्या पगमार्क है? हाँ है ना, मूवमेंट है भाई, यहाँ से निकलो चलो। तो वहाँ कैटल घूम रही है, टाइगर का पूरा इलाका है, और यहाँ एलिफेंट ड्रॉपिंग देख सकते हैं आप। और ये काफ़ी बड़े एलिफेंट की जो है ड्रॉपिंग है। देखते हैं जंगल ने क्या सरप्राइज़ रखा है हमारे लिए। एक रास्ते में बैठी आई है अभी जस्ट उड़कर, एक छोटी सी क्यूट सी डव। फील द जंगल साउंड। ज़बरदस्त हरियाली हो रही है। जब बारिश होगी और बरसात आएगी तो कितना हरियाली होगी यहाँ पर। अरे बिल्कुल रोड तक आएंगे देखने, ये पेड़ जितनी झाड़ियाँ हैं ना, हाँ बिल्कुल घना हो जाएगा ये इलाका। मैं तो तब की सोच रहा हूँ कि तब क्या होगा। ये तो है, देखते हैं क्या होता है। चलते रहना धीरे धीरे। लेकिन हल्की ठंडक सी है ना। हाँ मैंने बोला ना, हवा में नमी है थोड़ी सी आज, ठंडक है। 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वो हॉर्न मिल गया फाइट। ग्रेट ग्रेट। अच्छा धूल उड़ाती हुई जा रही है गाड़ी। धूल उड़ाकर ऐसे धूल उड़ती है ना, हल्की सी आंखें बंद हो जाती हैं, और वो थोड़ा रिस्की हो सकता है जंगल में। आपका एक सेकंड भी टाइगर के पगमक थे पीछे ना शायद। हाँ हाँ मूवमेंट तो है। आम गिरा हुआ देखो, एक आम गिरा है। ये कहाँ से आ गया? जामुन के पेड़ है, आम आ गया। किसी का गिरा हो गया। ओहो, सफ़ेद चादर बिछी हुई वो आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल। इसकी तस्वीर ले जाएगी जल्दी से। ब्यूटीफुल यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। छोड़े सफ़ेद ही सफ़ेद चादर सी बिछ गई है इस ग्रासलैंड में। वाह यार, हमने इसलिए ही कहा है कि जंगल सेम रहेगा और
का जो वातावरण है वो चेंज होने से आपको अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जैसे कि देखा कितना सुंदर लगा ग्रासलैंड, अलग ही लेवल था, मज़ा आ गया। कई रूप देख लिए हमने भी इस ग्रासलैंड के। हाँ, बरसात में भी एक और रूप दिखेगा। धीरे धीरे ये जो वाइट वाइट है ये सब बढ़ते जाएंगे ना, प्रॉपर ग्रासलैंड बन जाएगा। फिर काफ़ी घना इलाका है जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं। जंगल बहुत खूबसूरत है। जिप्स क्या आ रही हैं वापसी सफारी करके। यहाँ कुछ तोड़ फोड़ भी दिख रही है, पेड़ों की जो टहनियाँ है ना वो गिरी हुई नज़र आ रही हैं मुझे। चिड़िया बोल रही है, पता नहीं चल रहा। आवाज़ बहुत मधुर है। आवाज़ तो मधुर है, ये देखो हरियाली आ गई। हाँ, थोड़ी थोड़ी जो बारिश हुई है उससे ही हो गई इतनी हरियाली। लगानी रोड तक जो है घास दिखने वाली है, झाड़ियाँ दिखने वाली हैं, ऐसे कुछ नज़र आने लगा है मुझे धीरे धीरे। बदल रहा है जंगल। वाह, ब्यूटीफुल। बंदरों के पगमार्क थे शायद, पता नहीं किसके थे, मतलब बड़े बड़े भी थे ना। अच्छा, भैया यार चेक कर नहीं सकते, एक ही नज़र में दे सकते हैं हम। यहाँ खतरा बहुत है। सूरज सामने है, हल्की सी धुंध है और ना साफ चमकता। कैसा जबरदस्त सनसेट हो रहा है, सुनहरी किरणें दिखती हुई नदी में। देख लो भाई कहीं कुछ दिख जाए। लगेगा बड़ा शानदार। जंगल का साउंड देख रहे हो कैसा हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त साउंड सुनने को मिल रहा है और मेरी निगाह है नीचे नदी की ओर। क्या पता कोई वाइल्ड लाइफ पानी पीने आई हो। जो वक्त लगभग अभी 6:15 हो गया हो शायद। जी हाँ, 6:10 है, लगभग वही हो गया समय। और शाम होते होते वाइल्ड लाइफ और भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जंगल में शांति है, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिल रही है और झींगरों की भी।
60 FPS है ना। अंदर आ गया क्या, वो टस्कर है उधर उधर उधर, वही मैं कह रहा हूँ नदी की तरफ होगा यार कुछ ना कुछ। चलो 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 बिल्कुल आगे, जल्दी पहुँचो। नीचे काफ़ी टहनियाँ टूटी हुई हैं, वो टस्कर यहीं से गया, इसका मतलब पानी पीता हुआ पक्का। वो आप देख सकते हैं दो दांत वाला टस्कर है ये, बहुत ज़्यादा टाइम बाद देखने को मिले हैं ये। देखिए नदी की ओर आता हुआ, देखिए हेड ऑन है बिल्कुल, नदी किनारे घूमता हुआ टस्कर एलिफेंट। वाओ बिल्कुल हेड ऑन है, गजब। नदी किनारे कंटिन्यू चलने में लगा हुआ है, इधर ही आ रहा है, ये मुड़ गया वो पानी की तरफ, देख सकते हैं फिर से मुड़ गया, वापिस हो गया, आ रहा था फिर चला गया वापिस। काफ़ी डेंजर टस्कर था, देखिए फिर स्मेल कर रहा है, स्मेल करके ये वक्त वापिस आएगा, ये फिर से मुड़ गया, स्मेल की है उसने। वाह यार मज़ा आ गया। अब वही है ना, भीड़ लग जाती है तो हटना ही पड़ता है यहाँ से। नैरो रोड है ना, काफ़ी नैरो है। हाँ और वाइल्ड एनिमल है, कुछ भी हो सकता है। शानदार टस्कर था वो, उसको देखने के लिए कौन नहीं रुकेगा, तो इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी वजह से भीड़ ना लगे, क्योंकि जो है जो भी है वाइल्ड लाइफ है उसको देखने के लिए हर कोई रुकता है। यार बहुत मज़ा आ गया, कार की वजह से भीड़ लग गई ना तो निकलना पड़ा वहाँ से जल्दी, या छोड़ने का मन नहीं हो रहा था उसे, है ना। ये तो है, लेकिन जितना भी मिला है बड़ा शानदार। हाँ लेकिन अच्छे खासे देर मतलब हमने उसे कैप्चर कर लिया है। चलो चलो चलो, ग्रेट हॉर्नबिल की आवाज़ है, लंगूर अभी सीधे हाथ पर गया ना। हाँ। तो एकदम से लंगूर की आवाज़ जैसी लगी, हॉर्नबिल की आवाज़ थी वो, ग्रेट हॉर्नबिल। आवाज़ों का भी थोड़ा सा ना पता होना चाहिए। रोड तक रोड दिखती हुई, अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिखेगा।